देखिए कुछ और आपको मिल रहा है या नहीं, तब तक हम करते हैं एक कॉर्पोरेट स्कैन। और आज आउटलुक 2024 में हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी स्पेस की। उनो मिंडिया ये कंपनी जहां पर ऑफ कोर्स हमने देखा है ये पूरे ईवी का प्ले का फायदा इनको पिछले साल मिला था। अब कंपनी ने कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स शेयर किए हैं। सब्सिडरी इनकी एक है जो अहमदाबाद प्लांट में कामकाज शुरू कर चुकी है, कई ऑर्डर्स भी मिले हैं इनके हाथ। दूसरी तरफ जो अपडेट इस हफ्ते की शुरुआत में आ रहा था कि सरकार ने ऑटो एंसिलरी के लिए पीएलआई स्कीम की समय सीमा एक और साल बढ़ा दी है, इसका कितना फायदा मिलेगा। और आज सुबह की खबर कि फेम 2 में अतिरिक्त सब्सिडी 1500 करोड़ तक का एलोकेशन सरकार कर रही है। इस सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी और ग्रुप सीएफओ सुनील बोरा है। सुनील जी, इन सभी बारीकियों पर आएंगे, लेकिन मुझे एक अंदाजा दीजिए 2024 में ओवरऑल एनवायरमेंट कितना बेहतर है डिमांड के लिहाज से, और ऑटो सेगमेंट में जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उसके मद्देनजर। जी अर्षदा जी, सो जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्री का इंडस्ट्री ग्रोथ या वॉल्यूम की हम बात करें, तो एक जो मोमेंटम हमने देखा है पिछले 2 साल से वो लगातार बरकरार है। खास करके जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कि काफ़ी मॉडल्स में, काफ़ी ओईएम्स में जो व्हीकल का वेटिंग पीरियड है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का वेटिंग पीरियड है। और उसके चलते आपने देखा है कि काफ़ी ओईएम्स जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो एक जो ग्रोथ मोमेंटम जो हमको दिख रहा है वो लगातार बरकरार है, और हमें उम्मीद है कि आने वाला वर्ष जो है वो नए रिकॉर्ड बनाएगा फ्रॉम पीवी वॉल्यूम परस्पेक्टिव से। और जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट जो देखा गया है रिसेंटली, रूरल डिमांड भी इम्प्रूव हुई है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में इवन टू व्हीलर सेगमेंट भी बेहतर करेगा, टू व्हीलर सेगमेंट भी काफी बेहतर करने के आसार है। अच्छा, एक चीज मैं आपको स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी, सरकार ने जो ऑटो एंसिलरीज के लिए पीएलआई स्कीम की मियाद बढ़ाई है एक और साल, उससे कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, कितना और बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा? क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस पीएलआई स्कीम में? जी हर्षदा जी, सो उनो मिंडा जो पीएलआई स्कीम है उसमें एक अप्रूव्ड पार्टनर है, और हमने भी काफी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिफाई करते हैं हमारे ईवी स्कीम में। और जहां तक एक साल बढ़ने का सवाल है, तो आपने अगर देखा हो कि पिछले वर्ष में काफी कुछ जो नियम थे वो लगातार गवर्नमेंट नोटिफाई करती रही, और उस नोटिफिकेशन के चलते जो प्लेयर्स हैं ऑटो कंपोनेंट या ओईएम प्लेयर्स, वो अपनी जो पूरी फॉर्मेलिटीज थी, रिक्वायरमेंट थी, वो पूरा नहीं कर पाए। सो पिछले वर्ष में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली इंसेंटिव कुछ भी नहीं मिला है। सो ये इंडस्ट्री की भी एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट को कि जो स्कीम है उसकी अवधि 1 वर्ष से बढ़ाई जाए, जो कि गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली कंसिडर किया और 1 वर्ष बढ़ाया। सो एक्चुअली अगर हम देखें तो वो 5 वर्ष का पीरियड जो है वो 1 साल डेफर हो गया। सो हम वी आर लुकिंग फ्रॉम बेसिकली दैट पर्सपेक्टिव। ओके ओके, आई गेट दैट पॉइंट कि शायद कई सारे चेंजेस हो रहे थे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर टिल 28 वो क्लियर कट आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स 2024 में आप करने वाले हैं इस पीएलआई स्कीम के मद्देनजर? कितनी कैपेसिटी ऐड करेंगे, किन प्रोडक्ट्स के लिए होगी? सुनील जी, क्या उसका अंदाजा आप दे पाएंगे हमें प्लीज? जी जी, सो काफी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ईवी स्पेसिफिक सेक्टर से है वो सारे क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो बीएमएस हो, बैटरी पैक हो, ऑनबोर्ड चार्जर, ऑफबोर्ड चार्जर, देयर आर बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि ईवी स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि सेंसर्स वगैरह है जो कि ईवी में भी लगते हैं और नॉन ईवी में भी लगते हैं। तो हमारा जो निवेश था, हमारा निवेश जो गवर्नमेंट का मिनिमम गाइडलाइन है 250 करोड़, उससे कहीं ज्यादा है निवेश। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप खाली पिछले वर्ष का ही देखें, 23 जो कल चल रहा है, हमारा निवेश करीब 700 करोड़ से 800 करोड़ रुपए है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी लैंड बिल्डिंग में है, और उसके ऊपर से हम नया लैंड बैंक भी बिल्ड कर रहे हैं इन वेरियस रीजन, चाहे वो गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो या तमिलनाडु में हो। सो वो निवेश के लिए हमने करीब 600 करोड़ रुपया अतिरिक्त ईयरमार्क किया है। सो आगे चल के हमारा जो वर्ष है 24-25, हमें उम्मीद है कि हमारा जो करंट मोमेंटम है निवेश का 700 करोड़ प्रति वर्ष का, वो जारी रहेगा। हालांकि स्पेसिफिक नंबर्स हम आपको दे पाएंगे मे बी आफ्टर 3 महीने के, जब हमारी बिल्डिंग साइकिल पूरी हो जाएगी। बट जो मोमेंटम एक बिल्ड है, हमें उम्मीद है कि वो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट का बरकरार रहेगा, और हमारा जो निवेश है वो ईवी पॉलिसी या पीएलआई स्कीम में जो है उससे कहीं ज्यादा है। बट ऑफकोर्स मुझे फिर बताइएगा फिर रफली किस तरह के वॉल्यूम्स में पिकअप आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इस नए साल के लिए, इस एक्सटेंशन के मद्देनजर,
दूसरी तरफ क्योंकि हम ईवीज की बात कर रहे हैं, सरकार ने कुछ और सब्सिडी की बात कर दी है। आज सुबह में अपडेट आया कि पहले जो 10,000 करोड़ की फेम टू में सब्सिडी मिल रही थी, अब 1,500 करोड़ और देंगे। इट्स अ लिटिल मोर देन द 10% अमाउंट जो पहले आवंटित किया गया था, लेकिन ये ऐसे समय पर आ रहा है जहां पर सब लोग कह रहे थे कि शायद वो फेम टू वाली सब्सिडीज पर सरकार रोक लगाने वाली है। इज इट अ रिलीफ इफ एट ऑल? नो डेफिनेटली। सो जैसा कि आपने दो क्वेश्चन पूछा, पहला तो कि हम वॉल्यूम कैसा देख पा रहे हैं, तो अर्शदा जी जैसा आपने देखा होगा कि हम कभी भी वॉल्यूम पे कमेंट नहीं करते बिकॉज इंडस्ट्री वॉल्यूम हमारे हाथ में नहीं है। जी हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि इंडस्ट्री अगर एक्स ग्रोथ करती है तो हम कैसे 1.5x या उससे ज्यादा ग्रो करें। सो हमारे जो ऑर्डर पाइपलाइन है या जो हमारे नए बिजनेसेस है या नए जो प्लांट शुरू होने वाले हैं इस वर्ष में, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जो हमारा गाइडेंस है 1.5 टाइम्स इंडस्ट्री ग्रोथ, उससे काफी काफी बेटर करेंगे। और जहां तक आपने सवाल किया सब्सिडी का, ईवी सब्सिडी, तो जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम करी थी जून में, तब भी हमने जो कहा था कि डेफिनेटली उस पर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, बट ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में जो वॉल्यूम्स है वो वापिस पिकअप करेंगे। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर के वो इंडस्ट्री वॉल्यूम देखें स्पेसिफिकली टू व्हीलर सेगमेंट के, वो प्री सब्सिडी कट से बेटर है। सो डेफिनेटली वो जो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था वो देखा गया। और जहां तक गवर्नमेंट ने एडिशनल इंसेंटिव की बात करी, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा बिकॉज आज भी काफी ओईएम्स हैं जो कि जो ईवी प्रोडक्ट है उस पर वी नो दैट काफी प्रॉफिटेबल नहीं है एंड दे आर डूइंग मोर फॉर डीपर पेनिट्रेशन। करेक्ट। तो उसके चलते हमें उम्मीद है कि एक्चुअली डिमांड जो है ईवी की और भी बेटर होगी। आपसे जब पिछली बारी बात की थी आपने कहा था कि FY26 तक रेवेन्यू ईवी सेगमेंट से 25 करोड़ और रहेगा, उस गाइडेंस पर आप बरकरार है या फिर लग रहा है कि इसे बेटर किया जा सकता है? जी हमने एक्चुअली काफी बेटर किया है। तो अगर हम देखें हमारा जो ऑर्डर पाइपलाइन है खाली ईवी सेगमेंट की अगर हम बात करें, जहां पे हमारे ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट और ईवी एग्नोस्टिक कंपोनेंट की बात करें, टोटल मिला के हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब एनुअल 3,000 करोड़ के ऊपर है आज की तारीख में, जो कि हमें उम्मीद है कि FY26 FY27 में डेफिनेटली बेस्ड ऑन इंडस्ट्री वॉल्यूम हम एक नंबर जो है ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। और ये जो गाइडेंस नंबर है वो हमने आधारित है कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं जो हमको वॉल्यूम गाइडेंस देते हैं उस पे आधारित है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते, बट इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बिकॉज काफी सवाल थे इसलिए हमने एक ओईएम का जो गाइडेंस नंबर था हमारे को उसको बेस बनाते हुए 3,000 करोड़ का जो करंट ऑर्डर बुक है वो आपको बताया। बोरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू द वेरी गुड लक इन 2024 सर। थैंक यू जी। थैंक यू। तो उनो मिंडा एज ऑलवेज एक मजबूत आउटलुक और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से जो इन्होंने पहले गाइड किया था उसे बेहतर करने की क्षमता कंपनी के पास है। हर साल 600 से 700 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अपनी कैपेसिटीज को और मजबूत करने के लिए नई कैपेसिटीज लगाने में खर्च करते हुए दिखाई देंगे और ये स्टॉक दरअसल एक परफॉर्मर रहा है। पिछले 12 महीनों में 24% तक के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए। लेंगे एक ब्रेक।